नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतधि अमृतधि न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सहाय सदन में आज मीटिंग हुई। चित्रगुप्त पूजा समितियों की ओर से जो विसर्जन का कार्यक्रम होगा और जो पूजा होगी, सामूहिक विसर्जन का कार्यक्रम होगा नौजर घाट आदि चित्रगुप्त मंदिर परिसर में, इस संदर्भ में जो आज मीटिंग हुई उसके बारे में संक्षिप्त बताएंगे अपना परिचय देते हुए। मैं सुजीत कुमार वर्मा जी सामूहिक विसर्जन समिति का संयोजक हूँ। आज हम लोग मीटिंग तो बहुत दिनों से करते आ रहे थे। पूजा समिति हमारा दानापुर से पटना सिटी तक का पूजा समिति है। सभी लोग सारे जगह की मूर्तियाँ लेके सहाय सदन में आते हैं और यहाँ से फिर दीवान मोहल्ला चित्रगुप्त घाट जो नौजर घाट है चित्रगुप्त घाट पर जाती है और वहाँ आरती होकर विसर्जन किया जाता है। आज हम लोग सभी लोग बैठे कि विसर्जन में क्या कुछ हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, हम लोग भव्यता कैसे ला सकते हैं, कैसे हम लोग संयमित होकर चल सकते हैं, उसके लिए क्या काम हम लोग को एहतियात रखना है, ताकि हम लोग जो सड़क पर अगर गाड़ी से निकलते हैं तो अव्यवस्थित नहीं हो जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे ढोल बाजा के साथ हम लोग निकले ताकि पूरा शहर में लगे कि चित्रगुप्त भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकली है। इसी संदर्भ में सभी लोगों से राय विचार लिया जा रहा था कि आप लोग भी अपनी तरफ से राय विचार दें, इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। हम लोग जितने भी पूजा समिति लोग हैं सारे लोग आते हैं, हम लोग उनको एक्चुअली विसर्जन के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग आते हैं, सहाय सदन में नाश्ता खाना पीना का भी इंतजाम रहता है, ताकि यहाँ से सवेरे जो निकलते हैं फिर रात को नौजर घाट में वहाँ जो आदि मंदिर है वहाँ भी खाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन वो आरती और विसर्जन के बाद होता है। इस बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो भी हमारे पूजा समिति के लोग आते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे से आ जाते हैं, उनके खाने पीने के भी इंतजाम की जाती है और इसमें एक से एक वीआईपी लोग भी आते हैं। सारे लोग पटना के सीट होते हैं, बाहर से भी बहुत लोग इस विसर्जन को देखने के लिए आते हैं। तो आज मीटिंग में हम लोग इसीलिए रखे हुए थे कि कैसे हम लोग सब लोगों से विचार लेके इसको अच्छा से अच्छा किया जा सके, उसी के लिए हम आज मीटिंग रखे। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर निर्मल श्रीवास्तव जी भी उपस्थित थे। हाँ, चूंकि वो तो आदि मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जी और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के शिक्षा एवं रोजगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और ये विसर्जन जो है ये माननीय रविनंदन सहाय जी जो है जिनको हम लोग प्यार से अमर भैया भी कहते थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में, और माननीय आर के सिन्हा जी जो कि चित्रगुप्त आदि मंदिर के अध्यक्ष है, ये दोनों लोगों की प्रेरणा से ही इस चित्रगुप्त विसर्जन प्रारंभ शुरू हुआ। तो हम लोग जो है सो निर्मल श्रीवास्तव जी भी जो है सो अभी तो हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हमारे सारे पूजा समिति के अध्यक्ष महासचिव और सक्रिय लोग आए हुए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि कैसे इसको हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते। पूजा चित्रगुप्त पूजा जो है किस तारीख को हो रही है और विसर्जन किस दिन है वो सर बता दें। चित्रगुप्त पूजा इस बार 27 तारीख को हो रही है और 28 को जो है तो विसर्जन हो गया। इस बार संजोग ऐसा पड़ रहा है कि छठ का नहा खा भी जो है उसे 28 को पड़ जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से लेकर के आदि मंदिर तक जो खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं इसी हिसाब से कर रहे हैं, शुद्धता के साथ सेंधा नमक के साथ, ताकि वो छठ व्रती के विवाहित परिवार वाले लोग हैं वो भी उस प्रसाद को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो पूजा का अभियान है और ये जो विसर्जन के सामूहिक विसर्जन का कार्यक्रम वो सफल रहे। इस बार हम लोगों का ऐसे तो 51 पूजा समिति थी, करीब करीब 20 मूर्ति जो है अन्य स्थानों पर नहीं बैठ रही है। अच्छा, तो ये हम लोगों का टारगेट है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में घर घर गणेश जी बैठते हैं, उसी तरह हम लोगों का टारगेट यहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा मूर्ति बैठ सके, ताकि हम लोग सामूहिक विसर्जन और भव्यता से करते हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 108 मूर्ति तो कर ही ले 2-3 साल में, ताकि हम लोग की एकता जो है जी वो इस रूप में दिखती रहे, चित्रांत समाज में एकता और मजबूत हो और भगवान चित्रगुप्त की आशीषों की बारिश सभी पर जारी रहे।
इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत पटना बिहार, नमस्कार, धन्यवाद।